तो गाइस मेरा स्मार्टफोन खराब हो गया था अभी कुछ दिन पहले। तो मैंने काफी रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाया है क्योंकि मुझे खुद के लिए एक स्मार्टफोन खरीदना था 10,000 इंडियन रुपीज रेंज के अंदर, क्योंकि मैं उससे ज्यादा अभी अफोर्ड नहीं कर सकता फिलहाल। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल पॉडकास्ट शॉर्ट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉप 4 स्मार्टफोन्स अंडर रेंज INR 10,000, जिसमें से 2 5G मोबाइल फोन्स हैं और 4 4G सपोर्टेड फोन्स हैं जो कि अभी फिलहाल मार्च 2023 में मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। तो लेट्स बिगिन। सो गाइस, फर्स्ट पोजीशन पे जो फोन है वो है हमारे इंडियन ब्रांड लावा की तरफ से लावा प्लेस 5G, जो कि आपको सिर्फ मिल जाएगा 10,999 रुपीज़ में। ये एक डुअल सिम 5G प्लस 5G सपोर्टेड स्मार्टफोन है, जिसके लिए अभी फिलहाल 2 बेस्ट वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, क्लास ग्रीन और क्लास ब्लू। और रैम की बात की जाए तो ये 4GB और 6GB में अवेलेबल है, विच इज़ एक्सपेंडेबल अप टू 9GB। और इसमें आपको मिलेगा 128GB ड्राइव स्पेस, विच इज़ एक्सपेंडेबल अप टू 1 TB। बैटरी की बात की जाए तो इसमें 5000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी है, जो कि काफ़ी सेटिस्फाइंग है। प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें आपको मिलेगा सुपीरियर परफॉर्मेंस विद ऑक्टा कोर 2.2 GHz मीडिया टेक डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर, जो कि क्लीन एंड्रॉयड 12 OS को सपोर्ट करता है, और एनोनिमस कॉल रिकॉर्डिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आपको 50 MP प्लस 2 MP प्लस VGA AI ट्रिपल रियर कैमरा और 8 MP विद स्क्रीन फ्लैश फ्रंट कैमरा मिलता है। बेसिकली इसके दोनों ही साइड पे आपको फ्लैश कैमरा मिलेंगे। इसमें आप आराम से 1080 पिक्सल की HD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें आपको ब्यूटी नाइट पोर्ट्रेट मैक्रो AI प्रो UHD पैनोरमा स्लो मोशन फिल्टर GIF टाइम लैप्स QR स्कैनर, ये सारे फीचर्स भी मिलेंगे। तो गाइज अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो ये सारे फीचर्स के साथ ये फ़ोन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए अमेजोन के लिंक से मिल जाएगा, जिसे अभी तक 4.1 out of 5 रेटिंग्स मिले हैं 1500 कस्टमर्स की तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो चलिए गाइस, सेकंड पोजीशन पर जो हमारा स्मार्टफोन है वो है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M13। इसमें आपको मिलता है अप टू 12 GB रैम विथ रैम प्लस 64 GB इंटरनल मेमोरी एक्सपेंडेबल अप टू 1 TB, और ये भी डुअल नैनो सिम सपोर्टेड है, और इसकी प्राइस है 10,999 रुपीज़। इसका एक और वेरिएंट है गैलेक्सी M13 5G, जो कि 5G सपोर्ट करता है, और आपको ये 12,999 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसके 4G और 5G वेरिएंट में सिर्फ 5G के अलावा कैमरा और बैटरी में भी थोड़े डिफरेंसेस हैं। इसके 5G वेरिएंट में आपको 50 MP प्लस 2 MP डुअल कैमरा सेटअप और 5 MP f2.0 फ्रंट कैमरा मिलेगा। इसके अलावा आपको 6.5 इंच LCD HD प्लस रेजोल्यूशन विद 720x1600 पिक्सल रेजोल्यूशन और 5000 mAh लिथियम आयन बैटरी, 1 year मैनुफैक्चर वारंटी फॉर डिवाइस एंड 6 months मैनुफैक्चर वारंटी फॉर इनबॉक्स एक्सेसरीज इंक्लूडिंग बैटरीज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज मिलेगा। इसके 4G वेरिएंट में आपको मिलेगी 6000 mAh लिथियम आयन बैटरी विद वारंटी। फिर इसमें आपको मिल जाएगा 50 MP प्लस 5 MP प्लस 2 MP ट्रिपल कैमरा सेटअप, और इसके साथ ही 8 MP f2.2 फ्रंट कैमरा भी दिया हुआ है। तो गाइज आप इसमें 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन से ऊपर की HDR रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सैमसंग के डिवाइसेस थोड़े से महंगे होने लगे हैं दूसरे ब्रांड से, तो इसलिए इसकी प्राइसिंग थोड़ी हाई है। इसमें एंड्रॉयड 12.1 UI कोर 4 विद अ पावरफुल ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो कि आप गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही 16.72 cm दैट इज 6.6 इंच FHD प्लस LCD इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले FHD प्लस रेजोल्यूशन विद 1080x2408 पिक्सल का रेजोल्यूशन भी है। तो बेसिकली ये फ़ोन आपके हाथ में काफ़ी बड़ा लगेगा, और इसमें आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी इजीली अटेंड कर सकते हैं। ये फ़ोन भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए अमेजोन के लिंक से मिल जाएगा, और इसे अभी तक 4.1 out of 5 रेटिंग्स मिले हैं 22,000 कस्टमर्स की तरफ से, तो ये बहुत ही बढ़िया है। गाइस तीसरे नंबर पे हमारा जो स्मार्टफोन आता है वो है रेडमी की तरफ से रेडमी 10, जो कि आपको 9,800 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये एक 4G स्मार्टफोन है, इसके भी 2 वेरिएंट्स हैं, 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज एंड 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, विच इज़ एक्सपेंडेबल अप टू 1 TB। इसमें आपको 17.02 cm दैट इज 6.7 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, जो कि ऑनलाइन क्लासेस और लर्निंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। कैमरे की बात की जाए तो इसमें 50 MP प्लस 2 MP रियर कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। साथ ही इसमें 6000 mAh की लिथियम पॉलीमर की पावरफुल बैटरी है, जो कि इसकी बैटरी बैकअप लाइफ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है। फिर इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर भी मिल जाएगा। इस फोन सेट के अंदर आपको हैंडसेट अडैप्टर, USB टाइप सी केबल, सिम इजेक्शन टूल, क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड, ये सारे फीचर्स भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए अमेजोन के लिंक से मिल जाएंगे। इसे अभी तक अमेजोन पर 4 out of 5 रेटिंग्स मिले हैं 15,000 कस्टमर्स की तरफ से।
तो गाइस इसके बाद हमारा जो स्मार्टफोन है वो है रियलमी की तरफ से नेज़रो 50A प्राइम, फ्लैशबैक, 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज, फुल एच हाई डेफिनेशन प्लस डिस्प्ले, और इसमें है 50 MP AI ट्रिपल कैमरा। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे 16.7 सेंटीमीटर 6.6 इंच 2408x1080 फास्ट HD प्लस रेजोल्यूशन मिलेगा, जिसमें आप आराम से अच्छे रेजोल्यूशन के वीडियोस देख सकते हैं और आपके ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसका 90.7 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, 16.7 mm स्क्रीन कलर्स, 600 निट्स एक ब्राइटनेस होने वाला है। बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh का मैसिव बैटरी विद अल्ट्रा सेविंग मोड मिलता है, जो कि ओके है। इसमें एक पावरफुल यूनिसॉक का D612 प्रोसेसर लगा है विद ऑक्टा कोर CPU। कैमरा इसमें 50 MP का AI ट्रिपल रियर कैमरा है विद 8 MP फ्रंट कैमरा, तो इसमें भी आप इजीली HD क्वालिटी की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर रिव्यूज़ की बात की जाए तो इसे अमेजोन पे 4 out of 5 रेटिंग्स मिले हैं 8000 कस्टमर से, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर इन चारों फ़ोन में से मेरा ओपिनियन माने तो मुझे लावा का लावा ब्लेज 5G सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि इसमें एक ही फ़ोन में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, वो भी 5G के साथ। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए गाइज आप भी अपने लिए कोई अच्छा स्मार्टफोन सेलेक्ट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप लाइकिंग बोर्ड का शॉर्ट्स। थैंक यू।